ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल क्या है, डिफिनेशन लिखते हैं ना, ठीक है। ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाई थ्री साइड, बात मत करो, ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाई थ्री साइड, एक बंद आकृति, फिगर मीन्स क्या होता है आकृति, एक बंद आकृति बाउंड्री ने बंधा हुआ, जो बंधा हुआ हो किससे, बाई थ्री साइड, एक बंद आकृति जो थ्री साइड से क्या हो, बंद हो, क्लोज्ड हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है हमारा, ट्रायंगल है ना, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल, क्लोज फिगर है ना। अगर इस प्रकार से हम एक साइड, दो साइड, तीन साइड बना दिए, क्लोज नहीं है ना, तो क्या ट्रायंगल है, नो सर, ये हमारा ट्रायंगल नहीं है, ये हमारा ट्रायंगल है और ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल समझ में आ गया ना। ए क्लोज फिगर, एक बंद आकृति बाउंड्री में बंधा हुआ बाई थ्री साइड, एक बंद आकृति जो तीन साइड से क्या हो, बंद हो या बंधा हुआ हो, उसे क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। सभी को स्पष्ट है, ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, तो ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो ट्रायंगल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक आपका बेस्ड ऑन एंगल, दूसरा आपका बेस्ड ऑफ साइड, ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है कि नहीं। इसको क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल पढ़े, ओके, तो इसको मैंने बताया क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं, टू टाइप्स होते हैं ना, पहला आपका बेस्ड ऑन साइड, दूसरा आपका क्या होता है, बेस्ड ऑन एंगल, एंगल के आधार पर तीन आपके ट्रायंगल होते हैं और साइड के आधार पर भी तीन ट्रायंगल होते हैं, ओके, ध्यान से इधर देखिए, बेस्ड ऑन साइड में आपका फर्स्ट होगा कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है आपका, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या हो, तीनों साइड इक्वल हो, उसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके, इसमें क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है, क्या होता है, ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड क्या होता है, और क्या होता है, ऑल एंगल इक्वल, सभी एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये कितना होगा, टोटल कितना हो जाएगा, एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 हो जाएगा ना, दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा कौन सा होता है, बोलो, आइसोसेलस ट्रायंगल, दूसरा कौन सा होता है, आइसोसेलस ट्रायंगल होता है, ठीक है ना, आइसोसेलस ट्रायंगल कौन सा होता है, हाँ, जिसमें क्या हो, टू साइड क्या हो, आपस में इक्वल हो, फर्स्ट सेकंड, ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे, दो साइड आपस में इक्वल होते हैं, दो एंगल भी इसका आपस में इक्वल होता है, ठीक है ना, यहाँ लिख सकते हैं टू साइड इक्वल, ओनली टू साइड इक्वल, ठीक है, और क्या होता है, टू एंगल इक्वल होता है इसका, ठीक है ना, टू एंगल इक्वल, सभी को स्पष्ट है, ठीक है ना, एक आपका इक्वलेटरल ट्रायंगल होता है जिसमें क्या होता है, तीनों साइड आपस में बराबर होती है, ओके, ऑल साइड क्या होता है, इक्वल होता है और एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑल साइड ऑल एंगल इक्वल, ठीक है ना, ऑल एंगल आर इक्वल बोल सकते हैं, ओके, आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल हो, ठीक है ना, ओनली टू साइड इक्वल और टू एंगल भी इक्वल होता है, ओके, तो इसका दो एंगल भी आपस में इक्वल होता है, कोई दिक्कत है, यहाँ तक सभी को स्पष्ट है, तीसरा आपका कौन सा होगा, तीसरा आपका हो जाएगा स्केलन ट्रायंगल, तीसरा कौन सा होगा, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल कौन सा होगा, इसमें क्या होता है, कोई भी साइड आपस में
इक्वल नहीं होती। एक मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, दूसरा 10 है, तीसरा 12 है। ओके, ये लाइन का मतलब है तीनों अलग अलग साइड साइड की लेंथ क्या अलग अलग, ये समान एक एक लाइन खींची गई, मतलब दोनों की साइड क्या है इक्वल है। यहाँ पर एक एक लाइन तीनों में खींचा गया है, इसका मतलब तीनों साइड आपस में इक्वल है। सभी को स्पष्ट है? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल में आपने पढ़ा कि बेस्ड ऑन साइड 3 ट्रायंगल होते हैं। पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड क्या आपस में इक्वल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो साइड आपस में इक्वल हो, और स्केलन ट्रायंगल जिसमें कि एक भी साइड आपस में इक्वल ना हो। सभी को स्पष्ट है ना? अब इसके बाद पढ़ेंगे बेस्ड ऑन एंगल। इतना बेस्ड ऑन एंगल, एंगल के आधार पर ट्रायंगल कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के होंगे ना। पहला आपका क्या कौन सा ट्रायंगल होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? एक ऐसा ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें तीनों साइड क्या हो, जिसमें तीनों सॉरी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें जो ये तीन एंगल दिए हो ये 90 डिग्री से कम हो, ठीक है ना। ये जो 3 एंगल हैं क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। तो यहाँ लिखेंगे ऑल इंटीरियर एंगल लेस देन 90। जितने भी इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं ना, ये किससे कम हो, 90 से कम हो। मान लेते हैं एक 60 है, एक 70 है, एक 50 है, ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? ये कौन सा एंगल ट्रायंगल हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सभी को स्पष्ट है ना? दूसरा, क्योंकि एंगल के आधार पर हम समझ लिए ये कौन सा ट्रायंगल है। ओके, ठीक है, हमेशा स्केलन ट्रायंगल होगा। यहाँ पर एंगल अलग अलग होगा, साइड भी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होगा आपका, जिसमें कम से कम एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री से अधिक हो, ठीक ना। वन एंगल आर मोर देन 90, इसमें एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। पहले आपको समझ में आ गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल देखेंगे तो कोई भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा या 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, ठीक है। 60 एक है, एक 70, एक 50 है, तो ये कौन सा एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा ना। दूसरा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, ये कौन सा ट्रायंगल होगा जिसमें कम से कम एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो। इसमें तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होगा, इसमें एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। सभी को स्पष्ट है? और तीसरा आपका है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, जिसमें कम से कम एक एंगल का हो क्या हो, 90 डिग्री का हो। एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री, ठीक है। वन एंगल आर इक्वल टू 90, एक एंगल कितना हो, कम से कम एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो उसे क्या कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। सभी को स्पष्ट है? यहाँ तक क्लियर हो गया?